क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, रीट पढ़ूँ कि सेकंड ग्रेड पढ़ूँ, समझ नहीं आ रहा। रीट का मेन पेपर तो दिसंबर तक होगा, सेकंड ग्रेड सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। लेकिन सेकंड ग्रेड के चक्कर में अगर रीट हाथ से निकल गई तो चक्कर पड़ जाएगा। सरकार रीट के पहले सेकंड ग्रेड करवाएगी या पहले रीट करवाएगी? पहले रीट करवाएगी फिर सेकंड ग्रेड करवाएगी। सेकंड ग्रेड तो एक लॉलीपॉप भी हो सकता है। तो करूँ तो क्या करूँ यार, तो मैं कुछ हेल्प करूँ? बताओ यार, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इनके जैसा ही फ्रेंड्स आपके भी दिमाग में यही कंफ्यूजन चल रहा होगा जब से सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई है कि हम पहले रीट की तैयारी कर रहे थे या कोई पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो अब हम रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। क्योंकि फ्रेंड्स अभी ना तो रीट के मेन पेपर की कोई डेट फिक्स हुई है और ना ही सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हुई है कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी ओनली रीट पात्रता की डेट फिक्स हुई है, जो कि प्रस्तावित डेट है फ्रेंड्स 23 और 24 जुलाई को रीट पात्रता पेपर होगा। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि ये वाकई में पात्रता होगा या 2012-13 की तरह इसका वेटेज 10% या 20% मेन एग्जाम के पेपर में जोड़ा जाएगा। तो अभी ये कन्फ्यूजन बना हुआ है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स सेकेंड ग्रेड की एग्जाम डेट के साथ ही रीट का जो डिटेल सिलेबस है फ्रेंड्स वो आना बाकी है। तो भाई इन सारी समस्याओं के दो केस बनते हैं। दो केस कैसे? मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि ये जो यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये चीज ये बताती है कि जितने भी सब्सक्राइबर है वो ओनली 80% सब्सक्राइबर ही वीडियो को देखते हैं और 82 जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देख करके चल जाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स पहले केस की। तो पहला केस फ्रेंड्स ये है कि अगर अभी तक आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आपको उसी की ही तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे थे तो अभी आपको भ्रमित ना हो करके सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे थे फ्रेंड्स तो रीट की ही तैयारी कर कीजिए। आप अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछिए कि आप दोनों में से किस चीज़ को बेटर कर सकते हो, किस एग्ज़ाम पर फ्रेंड्स आपकी पकड़ मजबूत है, आप उसी की ही तैयारी कीजिए। इसमें आप जल्दीबाजी ना करके एक दो दिन का समय लीजिए और एकांत में बैठकर सोचिए कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स केस नंबर दो की, जो ये कहता है फ्रेंड्स कि अभी तक आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं और आगे अब जैसे ही सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई है तो आपका अगर मानस बनाए कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं तो या नहीं करूं, तो आप ऐसा कीजिए फ्रेंड्स जो पहले पढ़ रहे थे और जो अभी आप दूसरी तैयारी करना चाहते हो उन दोनों के सिलेबस की तुलना कर लीजिए कि उस सिलेबस में कितना पार्ट कॉमन है। अगर वो कॉमन पार्ट फ्रेंड्स ज़्यादा निकल करके आता है तो फ्रेंड्स आप दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करते हो तो आप को आसानी से निकाल लोगे। लेकिन फ्रेंड्स इस केस में थोड़ी सी रिस्क है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले केस की अपेक्षा। तो आप दोनों हाथों में लड्डू रख सकते हो फ्रेंड्स। आप अपने आसपास के फ्रेंड्स से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ सकती है तो एक साथ तीन तीन वैकेंसी आ जाएगी तो आप और ज्यादा भ्रमित हो जाओगे। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट की, तो उनके जो जीके और जीएस का जो पोर्शन रहता है फ्रेंड्स वो ज़्यादातर कॉमन होता है रीट में और सेकंड ग्रेड में। हालांकि फ्रेंड्स सेकंड ग्रेड में जो मेन पेपर होता है वो उनके भी अलग लेवल का होता है, रीट का लेवल थोड़ा कम रहता है और सेकेंड ग्रेड का आपका जो सब्जेक्ट का लेवल रहेगा फ्रेंड्स वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जो मेरी तरफ फ्रेंड्स मैथ्स और साइंस से बिलोंग करते हैं तो मैं आप लोगों से खास कर से ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो सिलेबस है सेकेंड ग्रेड का वो बिल्कुल ही हटके होता है रीट से। रीट में अभी तक हमने जीके नहीं पढ़ी है और अब जो सेकंड ग्रेड का पेपर आने वाला है उसमें फर्स्ट पेपर में पूरी जीके आएगी, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड सारी जीके आने वाली है। और जो दूसरा पेपर है जिसे आसान नहीं समझा जा सकता, चाहे वो साइंस का पेपर हो या वो आपके मैथ्स का पेपर है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने विवेक से काम लीजिए और उसी सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए फ्रेंड्स जिसकी तैयारी आप लंबे समय से कर रहे हो और उस पर आपकी पकड़ मजबूत है।
बात तो सही है यार, मेरे दृष्टिकोण से जो मेरे को सही लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपको क्या करना है, आप खुद समझदार है। डिटेल सिलेबस कब तक आएगा, एग्जाम की डेट क्या आएगी, रीट का एग्जाम पहले होगा, सेकंड ग्रेड का पहले होगा, और जो भी चुनावी मुद्दे हैं कि सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार के मन में चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स साइड में रख करके इनमें अपना टाइम वेस्ट ना करके अपना सारा जो कीमती समय है फ्रेंड्स वो आप अपनी तैयारी में लगाइए। क्योंकि फ्रेंड्स किनारे पर रह करके पानी को देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नदी पार करनी है फ्रेंड्स तो पानी में छलांग लगानी पड़ेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए, वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।